डाल लेंगे, फिर इसमें अदरक का टुकड़ा और थोड़ी लहसुन डालेंगे, फिर इसमें दही ऐड करनी है और गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और फिर मिर्च डाल के पीस लेना है। पीसे हुए बैटर को चाप के अंदर डालना है और इसे फिर रेस्ट होने रख देना है 10 मिनट तक। गरम हो जाए तो रेस्ट की हुई चाप के पीस इसमें सोटे करने हैं। इन्हें पलट लें। हमारे फ्राई हो चुके हैं। तेज पत्ता डालना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, फिर इसे थोड़ा सा लाल होने के बाद प्याज इसमें पीस के डाल देने हैं और कुछ कट करके डालने हैं। ये सब भुन जाए तो इसमें दही डालनी है और मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर इसमें जो हमारा मसाला था वो डालना है जो हमने चाप सोटे करी थी उसका जो बैटर है वो मिक्स कर देना है और इसमें पानी थोड़ा ऐड करें, ऐड करें और फिर फ्रेश क्रीम अमूल की ले सकते हैं आप, वो ऐड करें। 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब चाप रेडी है।